हाय फ्रेंड, मेरा नाम है रजनीश। आप देख रहे हो लक्ष्य डिजिटल स्टूडियो। जैसे आप लोगों को पता है, मैं हमेशा कुछ नए अंदाज में मोबाइल से फोटो एडिटिंग लेके आता रहता हूँ। तो फिर आज कुछ नया लेके आऊँ आपके लिए। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें, जिससे आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले देखने को। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके वहाँ फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप हमें फेसबुक के पेज पर देख रहे हो तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करें, सपोर्ट करें और वीडियो शेयर ज़्यादा ज़्यादा करते रहा करें। और चलते हैं नेक्स्ट पेज में, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले एक ऐसा बैकग्राउंड ले लेना होगा और ऐसे बैकग्राउंड लेने के बाद दोबारा से यहाँ से हम ऐड पिक्चर पे चले जाएंगे। सिंपली इस वाले बैकग्राउंड को हम ले लेंगे और सिंपली इस वाले बैकग्राउंड को इतना सेट कर देंगे यहाँ इस हिसाब से। ठीक, इतना सेट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ जाने पे चले जाएंगे सिंपली इस वाले ऑप्शन पर और यहाँ चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हमें इसका है ना जो ये कम कर देना होगा और यहाँ भी कम कर देना होगा और इसे हल्का सा बढ़ा देंगे और यहाँ जाके डन कर देंगे और इसे हम हल्का हल्का सा मार देंगे यहाँ इस हिसाब से। ठीक, देख सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ जाके डन कर देंगे। ठीक, और यहाँ से जाके यहाँ डन कर देंगे। हमारा ये बैकग्राउंड एकदम खूबसूरत सा लगने लगा होगा। उसके बाद हम दोबारा से ऐड पिक्चर पे ही जाएंगे और अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। अगर आपको ऐसी फ़ोटो करना नहीं आता तो आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके फ़ोटो कट करना सीख सकते हो। और इसे हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे जितने पर हमारा सेट हो जाएगा। ठीक, इतने पर सेट करने के बाद और हल्का सा छोटा कर देंगे और यहाँ तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ से सिंपली सेव कर देंगे। ठीक, सेव करने के बाद दोबारा से हम ऐड पिक्चर पे ही जाएंगे और सिंपली इस वाले को ऑप्शन को ले लेंगे और इसे हम बड़ा कर देंगे PNG फाइल को। ठीक, इस हिसाब से। ठीक, इस हिसाब से बड़ा करने के बाद और हमारा फ़ोटो इतना तैयार हो चुका है और इसे हम यहाँ से कर देंगे डन। ठीक, हमने यहाँ डन कर दिया। डन करने के बाद देख सकते हो हमारा फ़ोटो मॉडल यहाँ ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद दोबारा से हम फ़ोटो ऐड पे चले जाएँगे और सिंपली इस वाले को हम ऑप्शन को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इस जगह लगा देंगे। ठीक, इस जगह। ठीक, लगाने के बाद और इसका हल्का सा कम कर देंगे। ठीक, कटने के बाद यहाँ कर देंगे डन। ठीक, डन करने के बाद सिंपली दोबारा से ऐड पिक्चर पे ही जाएंगे और इस वाले को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे हम बड़ा कर देंगे और यहाँ इस हिसाब से लगा देंगे। ठीक, लगाने के बाद हम यहाँ कर देंगे डन। ठीक, डन करने के बाद दोबारा से ऐड पिक्चर पे चले जाएंगे। क्योंकि हम अपनी PNG फाइलें पहले से ऐड कर लेते हैं वो, इसलिए हमें टाइम नहीं लगता। इसलिए आपको PNG फाइलें पहले से ऐड कर लेनी होंगी ऐसी। तो PNG फाइलें अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको आसानी होगी। अगर आप एक एक PNG फाइल इधर उधर से लोगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको PNG फाइलें ऐसी बहुत सारी एक साथ कर लेनी होगी, तभी आप इतना सेट कर पाओगे। इसके बाद हम इसको कलर चेंज करने के लिए इस वाले पर चले जाएँगे। ठीक, और कलर पे चले जाएंगे और यहाँ चले जाएंगे और इस पे जाने के बाद यहाँ जाके जो इंस्टाग्राम का जैसा भी हम चाह रहे कलर उस हिसाब से यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक, और ये हमारा ऐड हो चुका कलर और यहाँ हम ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड करने के बाद दोबारा से ऐड पिक्चर पे चले जाएंगे। ये हमारा ये KGF वाला जो KGF लिखा है इसे हम बड़ा कर देंगे और बड़ा करने के बाद इस तरीके से यहाँ लगा देंगे। ठीक, KGF का यहाँ। ठीक, इतना। ठीक, लगाने के बाद ठीक है इतना सेट कर देंगे यहाँ इस तरीके से। ठीक है, इतना हमारा सेट हो गया। सेट करने के बाद और इसे इस वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। इसका जो बैक है ना हल्का सा डार्क जाने लगा, तो इसके लिए हमें ये बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक, ये इतना सेट कर देंगे कि जो हमारा पीछे जो कलर दिखने लगे कि हाँ हमारा मोस्टली सही सेट हो रहा है। ठीक, उसके हिसाब से हम सेट कर देंगे। डन करने के बाद दोबारा से ऐड पिक्चर पे चले जाएंगे और ऐड पिक्चर पे जाने के बाद जो हमारी जो गन है उसे हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हल्का सा इसे रिमूव कर देंगे। इस तरीके से अपना ये गन को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमारी दिखने लगेगी। इसके बाद हम दोबारा से ऐड पिक्चर पे ही चले जाएँगे और इसे हम ऐड कर लेंगे यहाँ से। ठीक, इस तरीके से, और इसे हम रिमूव करके इस तरीके से कर देंगे
और इसे हम कर देंगे बड़ा, एकदम खींच के कर देंगे बड़ा, ठीक इस तरीके से, जो हमारी फुल डिस्प्ले पे दिखाई देने लगे, ठीक इस तरीके से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सिंपली इस वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और इसे कर देंगे स्क्रीन पे, ठीक है इस तरीके से स्क्रीन पे कर देंगे तो हमारा एकदम दिखाई देने लगे सही से, एकदम गजब सा लगने लगे। और उसके बाद हम चले जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर और यहाँ फिर इस पर चले जाएंगे, जो हमारे चेहरे पर आ रहा है उसे हम इंक्रीज कर देंगे और जहाँ जहाँ आ रहे हैं जिस हिसाब से सेट करना चाह रहे हो उतना हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है इस हिसाब से, ठीक है धन्यवाद। यहाँ कर देंगे डन और फिर यहाँ कर देंगे डन। इस तरीके से देख सकते हो हमारी फ़ोटो ये तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम सिंपली चले जाएंगे अपने इस वाले ऑप्शन में और इस वाले पर चले जाएंगे और इसे कर देंगे हल्का सा कम, ठीक है और इसे कर देंगे हल्का सा इसे डार्क कर देंगे, ठीक है और इसे हल्का सा इसे लाइट कर देंगे जैसे हमारा टाइटल जैसा लगने लगे, ठीक है अपना कर देंगे और इसे चले जाएंगे और इसे हल्का सा इसे हम ज़ीरो ही रखेंगे, ठीक इसे ज़ीरो कर देंगे और इसे हम टेम्परेचर को डाउन कर देंगे हल्का सा, ठीक इस हिसाब से और यहाँ चले जाएंगे इसे ही हल्का सा डाउन कर देंगे। इतना बार देख सकते हो हमारा इतना सेट सा लगने लगा। उसके बाद यहाँ कर देंगे हम डन। डन करने के बाद इतना हमारा सेट हो चुका था। आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो तैयार हो चुकी है। अगर इसमें कुछ भी ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि सिंपली हमारी अब फ़ोटो तैयार हो चुकी है, लेकिन हम इसमें कुछ भी अब ऐड नहीं करना चाह रहे हैं। ये अगर हम लगाना चाहते हैं तो इसे हम लगा सकते थे, लेकिन इसमें हम नहीं इसे ऐड करना चाह रहे क्योंकि हमारा सही सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए हटा रहे हैं इसे। फ़ोटो एडिट करनी है तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ हमें DM करें, मैं आपको वहाँ ये ऐसी PNG फाइलें दे दूँगा। और यहाँ जाके इसे हम डन कर देंगे, ठीक। यहाँ डन करने के बाद इसे हम फ़ोटो सेव करने के लिए सिंपली एक मस्त तरीका है, यहाँ जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पर चले जाएँ। अगर डायरेक्ट सेव कर लेंगे तो हमारी क्लैरिटी में उतनी फ़ोटो ऐड नहीं सेव होती है। यहाँ चले जाएंगे 3 डॉट पे और यहाँ जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पे जाके सेव कर देंगे तो हमारी आप फ़ोटो सेव हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो जाके जल्दी से। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।